लमहर कतार लागल बा, भीतर सावन के बहार लागल बा, देखो भगतन के लमहर कतार लागल बा, असार भीतर सावन के बहार लागल बा। चलो कांवरिया बन के शिव के दरबार लागल बा, भैया हम कल उधर से सम्मान करेंगे। और मैं अब यहाँ तक पहुँचाने में इनका बड़ा सहयोग कर रहा है। हम जेल गेट के जो हमारे हमारे मित्र हमारे बड़े भाई शशि सम्राट भी हमारे मित्र संतोष सोनी जी से आदरणीय हमारे अभिभावक आदरणीय हीरालाल गुप्ता जी से आग्रह करेंगे। अनिल सिंह जी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों के बड़े भाई सुनील सिंह जी जो है कहाँ गए देखे सम्मानित करेंगे। चैनल की जान है ये दुख सुख के साथी हैं जो शुरू दिन से कैंप में रहे हैं। गफार भाई से हम हीरालाल यादव से अनुरोध करेंगे कि हम तो उधर था कि वीडियो किया इधर का किया ज्यादा कलाकार का स्वागत पानी से होना तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों में बहते जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय बहते जय गणेश जय बहते जय गणेश जय बहते उसके बाद श्री अब्दुल वाहिद खान साहब का भी सम्मान करेंगे। साथ में बैठे हुए हमारे संजय भैया भैया उनको भी उनका भी सम्मान करेंगे। संजय भैया धीरज जी भी कृपया आगे आ जाएंगे, हम लोग उनका भी सम्मान करेंगे। और हेलो हमारे कैलाश भाई हैं जिन्होंने कहा था कि आप लोगों ने बड़ा हिम्मत का काम किया है उस समय से चल रहा है। बहुत बधाई आपको। आइए Thank you.
सहारा हो हम लोगों के बहुत पुराने भाई हैं डी फोकस के बड़े पुराने सही आ गए भैया देंगे जी इधर घूम के थोड़ा अरविंद भैया भाई जी दो हम लोग बड़े भाई के पास समय कमी हो जा रहे हैं उसे जाएंगे दो शब्द बोल के जाए स्थानीय समाचार के लिए डी फोकस के इस कांवरिया सेवा शिविर में शिव भक्ति के वातावरण में आज के इस अवसर पर हमारे प्यारे भाई और डी फोकस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हिमांशु कुमार जी इस डी फोकस द्वारा आयोजित कांवरिया सेवा शिविर में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वीरेंच नारायण जी भाइयों का कंवरिया भाइयों का अभिनंदन है। हिमांशु जी ने अवसर दिया ये सौभाग्य दिया और इस भक्तिमय वातावरण में सम्मिलित होने का यह परम सौभाग्य जो मिला है इसके लिए हिमांशु जी को हृदय के गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम में निश्चित रूप से धर्म का जय हो अधर्म का नाश हो इस तरह के भाव का वातावरण और भक्ति वातावरण में निश्चित रूप से हम लोगों को भी अवसर और सौभाग्य प्राप्त होते रहे ऐसा हम कामना करते हैं। आज के अवसर पर दो संयुक्त चीजें जो सामने आती हैं एक तरफ की कांवरिया का सेवा भाव दूसरे तरफ भक्ति भाव सेवा और भक्ति भाव से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से लगातार हमारे कांवरिया बंधु के सेवार्थी यह शिविर चलता आ रहा है। हिमांशु जी को जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आया था मैंने पूछा कितने दिनों से और कितने वर्षों से आपका यह शिविर चल रहा है तो इन्होंने कहा विगत 12 वर्षों से लगातार इस तरह का शिविर का आयोजन ये करते रहे हैं। निश्चित रूप से आज के इस पावन वातावरण में इस पवित्र और भक्तिमय कार्यक्रम के लिए पुनः एक बार हिमांशु जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे गार्जियन बन जाएंगे थोड़ी सी तालियां हो जाए आप लोग थोड़े से भोलेनाथ के चरण माधुरी गिरिवाचा